अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई और दोस्तों, माओ और बहनों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं सफ़र पर हूँ। इंशाल्लाह दो तीन दिन तक यूँ ही सफ़र में रहने का मौका मिला है, तो मैं इस दरमियान में चाह रहा था कि आपको ये अपडेट दूँ कि अल्लाह के फ़ज़लो करम से अपना जो लीगल टीम अब मुंतखब हुआ है वो तमाम इम्कानात की तरफ काम कर रहा है। जितने भी जहाँ भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं उन तमाम इम्कानात पर काम कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला एक अंदाज़े के मुताबिक बताने वाले एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इंशाल्लाह 17 तारीख को एक बड़ी राहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला लीगल टीम जो था उसने ब्लैकमेल किया, उसने तरह तरह से आपा को अजियत देने के लिए दुश्मनों के साथ मिल करके काम किया। लिहाजा अब जो लीगल टीम है वो मुखलिस है, मजी हुई है, काबिल और मेहनती लोग हैं। लिहाजा इस पर तमाम तरह से भरोसा किया जा सकता है और तमाम तरह से वो हर इम्कानात पर काम कर रहे हैं। मसलन अगर कोई भाई एफआईआर वापस ले रहे हैं तो उनके साथ किसी तरह का कोई धोखे वाला काम नहीं होगा, उनके साथ किसी तरह का बेसहारे वाला काम नहीं होगा। उन्हें बहकाया गया है, उन्हें वर्गलाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। कहीं ना कहीं रबते ना पहुँच पाने की वजह से लोग मिसगाइड हुए और उन्होंने एफआईआर किया। इस दरमियान में एफआईआर वापस लेने वालों भाइयों के साथ हमारी लीगल टीम हर तरह से खड़े होने का दावा कर रही है और कर भी रही, उनसे रबते भी कर रही है। लिहाजा मैं अपना एक मालूमात शेयर करना चाहता हूं तमाम दोस्तों के साथ कि देखिए भाइयों, अगर आपने, मैंने पहले भी कहा था अब भी कह रहा हूं कि अगर आपने एफआईआर वापस लिया तो मेरे ख़्याल से मेरे ज़्यादा इम्कानात के तहत मेरे तमाम करीबी दोस्त जो हैं उनसे मालूमात के तहत ये पता लगा कि जिन्होंने वो एफआईआर वापस लिया उनको इंशाल्लाह ताला अमाउंट विदड्रॉल करने वाले लोगों के साथ शामिल किया जाएगा। और हालात भी यही बताते हैं, हालात का तकाजा भी इसी बात का है कि अमाउंट वापस लिए गए लोगों के साथ उनका शुमार किया जाएगा और उनके साथ उन्हीं जैसा सलूक होगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी एफआईआर नहीं लिया है, एफआईआर लेने का सोच रहे हैं, उनसे मेरी ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस मामले में देरी न करें। जैसा कि एक मैंने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आपा को बेल मिलने की शुरुआत हो जाएगी, जहाँ तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब जब बेल होने की शुरुआत हो जाएगी तो तमाम कंप्लेनर की कंप्लेन यूं ही जो कि तू धरी की धरी रह जाएगी, उस पर मुकदमा चलेंगे। कोर्ट आपके पैसे निकलवा करके दे नहीं देगी, ये तो सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि कोर्ट में जाने का तो रास्ता है लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। लिहाजा अगर आप बाई चांस, पहली बात तो ऐसा होने वाला नहीं है, बाई चांस आप केस जीत भी जाते हैं, बाई चांस, पहली बात तो आज तक कुछ साबित नहीं हुआ और कोई भी चीज़ साबित नहीं हुआ, लेकिन 1% नैनो पॉइंट परसेंट आप ये सोच लें कि आप केस जीत भी जाते हैं तो क्या हीरा ग्रुप आपको यूं ही माफ़ कर देगी, आपके ऊपर हितक के इज्जत का मुकदमा दायर नहीं कर देगी? जैसे कि आप हारें या जीतें, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी और शहबाज खान के ऊपर आपा डॉक्टर नोहरा शेख ने हितक के इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है, तो दोनों बचने के लिए, अपने अपने तरीके से बचने के लिए, हितक के इज्जत के केस से बचने के लिए दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने पैंतड़े लगाए हैं। एक पर 100 करोड़ का हितक की इज्जत का मुकदमा है, एक पर मनहानी का, दूसरे पर 10 करोड़ का मुकदमा है। तो क्या पता जब कानूनी दाव पेच हैं, तमाम लीगल टीम ये अंदाज़ा बताएगी कि देखिए आपको, आपा डॉक्टर नोहरा शेख को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टर को इन कंप्लेनरों की वजह से बहुत बड़ा घाटा हुआ है। तो अगर मुकदमा किसी वजह से ख़त्म हो जाता है इनके जीतने उनके जीतने की वजह से, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन कंप्लेनरों को, जिसकी वजह से आपा को और 2 लाख इन्वेस्टरों के पीछे 10 लाख अफराद को जो परेशानी का सामना करना पड़ा है, उन पर हित के इज्जत करने का,
ये तक इज्जत का, गुमराह करने का, मिसगाइड करने का, डिस्टर्ब करने का मुकदमा फिर से नाफिज होगा। लिहाजा अगर 5-7 सालों में अगर मुकदमा एक मुकदमा ख़त्म हो जाता है तो हितक इज्जत का दूसरा मुकदमा चल जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप पर भी 5 करोड़ रुपए का, कंप्लेनरों पर जिन्होंने आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को इस तरह से सताया है, अगर उनको उनके ऊपर कंप्लेनरों के ऊपर हितक इज्जत का 5-10 करोड़ का मुकदमा चलता है तो क्या 2 मिनट में या 2 दिन में ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? नहीं ख़त्म होंगे। लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी लीगल टीम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर आपा नवरा की लीगल टीम जो है वो इस कोशिश में है कि कंप्लेनर अपना FIR वापस ले लें और उनके साथ अपनी जो लीगल टीम है वो कोशिश कर रही है कि ऐसा लोग करें और उनके साथ हिमायत किया जाए, इमदाद किया जाए और सहयोग किया जाए। ये एक बात हो गई, आप लोग खुद समझ जा रहे हैं। दूसरी बात, जो भी बिरादरान इस मुहिम में आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के इस बुरे दिन के वक्त जो लोग साथ हैं, चाहे व्हाट्सएप पर लोगों को समझाने के ताल्लुक से, चाहे ये समझ लीजिए कि वीडियो ऑडियोस बना करके तहरीर जारी करके किसी भी तरह से राहत का काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा मानना यह है कि उन तमाम दोस्तों के मैं लिस्ट बना करके आपा डॉक्टर नोहरा शेख जब बाहर आएंगी और हालात दिन बेहतर होंगे तो उनके साथ बेहतर काम करने का एक आपा से वादा लिया जाएगा कि इन लोगों को आप साथ लगाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अच्छे हालात में खुशामद करके आपसे शाबाशी हासिल नहीं की, बल्कि इन लोगों ने आपको उस हालत में हिमायत दी, उन आपको आपके साथ खड़े रहे जबकि ना आप देख रही थी और ना देख सकती थी, आपको नज़रबंद कर दिया गया था, जेलों में कैद कर दिया गया था। लिहाजा मैं भाई इस्माइल शेख साहब से, भाई मोहम्मद आकिल साहब से और आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहबा से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम भाइयों को अपने टीम में शामिल करें किसी न किसी तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हीरा ग्रुप आप कंपनीज़ में उनसे कुछ ना कुछ काम लेने का, समाजी फलाही बहबूद काम बहबूदी काम लेने का। आप एक कमेटी बना करके हम में से किसी को भी अगवा बना दें, किसी को भी आकिल भाई के मातहत में, इस्माइल भाई के मातहत में, किसी के भी मातहती में काम करने के लिए इन लोगों को मौका दिया जाए। ये वो लोग हैं जो बग़ैर किसी लालच के काम करते हैं और बग़ैर किसी मतलब मौका परस्ती के काम करते हैं। लिहाजा ये वो दोस्त हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए काम करने का। लिहाजा तमाम वो भाई दोस्त, भाई और बहन, बुजुर्गवार जो लोग भी हैं, मैं हर किसी का नाम यहाँ लेना मुमकिन भी नहीं है, तो आप लोग अपने अपने कामों में मुनहमिक रहें, मुंसलिक रहें, आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के लिए काम करते रहें। मैं लायक मुबारकबाद, काबिल मुबारकबाद तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों को समझता हूँ, मानता हूँ और दिल से इज्जत करता हूँ कि आप लोगों ने जिस वक्त में, जिस मुश्किल हालात में इन्वेस्टर्स को समझाने का काम किया है वो और लोग शायद उसमें पीछे रह गए। लिहाजा आप लोगों को मैं काबिल मुबारकबाद मानता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह तमाम FIR वालों को मैं राहत दिलाने, जो FIR वापस लेंगे उनको राहत दिलाने का काम किया जाएगा और जो लोग इस मुश्किल हालात में खड़े हैं उनके साथ तादेर काम करने का एक कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। अगर भाई मोहम्मद आकिल साहब मेरी इस वीडियो को देखें, इस्माइल भाई देखें या कभी को आकिल बहन आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इस वीडियो को देखती हैं तो इंशाल्लाह उनको इस मामले पर काम करना चाहिए और मौका देना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।